बेगूसराय की जनता ने टुकड़े टुकड़े गैंग को जोरदार तमाचा मारा। बेगूसराय में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है और कन्हैया कुमार को गिरिराज सिंह ने रौंद दिया है। जनता ने उन तमाम सेकुलरों को नंगा कर दिया जो कन्हैया कुमार के लिए प्रचार कर रहे थे। दरअसल बेगूसराय की सीट पर सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनावी लड़ाई मानी जा रही थी, क्योंकि कन्हैया कुमार के लिए सिविल सोसाइटी, एक्टिविस्ट और सेलिब्रिटी, हर किस्म के लोग चुनाव प्रचार में आए। बड़ी संख्या में लिब्रांडू और तथा कथित सेकुलर फोर्सेस भी पहुंची। जावेद अख्तर, शबाना आजमी और स्वरा भास्कर सरीखी बॉलीवुड हस्तियां भी आई। लेकिन चुनाव सिर्फ टीवी या सोशल मीडिया के कैमरों पर चेहरा चमकाने और बतोलेबाजी से नहीं जीता जाता। सिर्फ सोशल मीडिया के व्यूज से वोट नहीं मिलते, बल्कि वोट के लिए तो आपको पब्लिक से कनेक्ट करना होता है। इसके साथ ही कन्हैया पर लगे देशद्रोह के आरोप भी इस चुनाव में हावी रहे। तभी तो कन्हैया के प्रचार में आए तमाम सुरमाओं की कोई अपील, कोई रणनीति काम नहीं आई। अगर हम इस बार का चुनाव परिणाम देखें और गठबंधन के उम्मीदवार और कन्हैया के वोटों को जोड़ दें, फिर भी बीजेपी के गिरिराज उनसे काफी आगे हैं। कन्हैया की हार से साबित हो गया कि जनता अभी उस मूड में नहीं कि एक ऐसे शख्स को संसद भेजा जाए जिसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा हो। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।